पद्मावत के बाद संजय लीला भंसाली कौन सी मूवी बनाएंगे ये सब जानना चाहते हैं। जैसा कि भंसाली फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों करते हैं, तो इसमें भंसाली 2020 की फिल्म इंशाल्लाह को डायरेक्ट करने वाले हैं और इस फिल्म के लीड एक्टर होने वाले हैं सलमान खान। लेकिन दोस्तों लगता है भंसाली इस फिल्म के साथ ही एक और फिल्म बनाने के मूड में है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में भंसाली ने साउथ सुपरहिट मूवी कथिति के हिंदी राइट्स लिए हैं और अब क्योंकि भंसाली के हाथों में एक शानदार फिल्म की स्क्रिप्ट आई है, तो इसमें भंसाली इस फिल्म को जल्द से जल्द सिनेमाघरों में उतारना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा और फिल्म का लीड हीरो कौन होगा? जी हां दोस्तों, इस फिल्म के लीड एक्टर के रूप में हमें अक्षय कुमार या फिर रणवीर सिंह दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबकी निगाहें हैं टाइगर श्रॉफ पर, क्योंकि कुछ दिनों पहले टाइगर श्रॉफ भंसाली की मीटिंग हो चुकी है। लेकिन दोस्तों क्योंकि भंसाली की तरफ से इस फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, न ही बताया गया है कि ये फिल्म कब आएगी। लेकिन दोस्तों खबरों के मुताबिक इस फिल्म को प्रभुदेवा डायरेक्ट कर सकते हैं, साथ ही इस फिल्म का कनेक्शन हो सकता है राउडी राठौर 2 से। दोस्तों अभी तो काफी आशंकाएं हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी और भी खबरें हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आप बताइए, यदि कथिति का हिंदी रीमेक बनता है तो इस फिल्म में आप किसे लीड रोल में देखना चाहेंगे? साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।